ओ तेरी भाई बल्ले 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 जी, ये तो बिल्कुल ही अच्छा था। ओए ओए यार गिली कर रहे हो नीचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल जो है ना ये मैं साग उबा रहा हूँ जी, अंदर जा धुआं ही धुआं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से निकल नहीं पा रहा, तो मैं आपको जो है ना एक मिनट निकाल कर ही दिखाता हूँ कि साग उबर रहा है। ओए 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 ओए, ये है जी ये रहा साग, ये देखो माशाल्लाह धुआं ही धुआं हो रहा है। साग जी ना अच्छी तरह उबल चुका है, लेकिन फिलहाल नहीं। सुबह के वक्त अगर बंदा साग उबलना डाले तो शाम को सही तरीके से उबलता है, फिर शाम को जो है ना साग हम लोग खाएंगे। फिलहाल जो है ना इसको मैं वापस रख देता हूँ तंदूर में। ओही यार चला गया। फिलहाल मैं फसलों में पहुंच चुका हूँ, और आज जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि ये कद्दू की जो बेर है ना इसको उखाड़ देता हूँ यार। इसका सीजन ख़त्म हो गया है, ये सिर्फ एक कद्दू पड़ा है, ये भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको जो है ना पहले मैं उतार लेता हूँ। ये बैल भी साथ चली आई यार, तो इस कद्दू को जो है ना मैं अलग कर देता हूँ। ये कद्दू अलग हो गया, और ये रही भाई साहब बैल, छोटी सी बैल थी अब ख़त्म हो चुकी थी, ये हो गई। और इसकी साथ में ये एक बड़ी और, ये तो बिल्कुल पहले से ही खुश हुई पड़ी है, तो ये कद्दू पड़ा है भाई साहब, ये सारा ख़राब है कद्दू यार। ये मैं जानवरों के पास ले जाऊँगा, शायद वो खा जाए। नुमान और शहजाद भी फिलहाल आ चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें अमरूद तोड़ कर दो। अमरूद तोड़ने हैं? अच्छा यार, हैं कच्ची, सारे अमरूद हैं कच्ची, लेकिन कोई बात नहीं यार, तोड़ते हैं। अच्छा एक एक अमरूद मैं आप लोगों को तोड़ कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना। एक एक मिनट नुमान इधर आओ, मैं खुद तोड़ कर दूंगा, तुमने नहीं तोड़ना, इधर आ जाओ। कोई यार क्या तोड़ कर दूँ मैं अमरूद इनको, ये तो नहीं है, ये तो कच्चा। इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये नहीं तोड़ना ना, एक ये तोड़ कर दे देता हूँ। तोड़ लिया, क्यों तोड़ा है? ओ तेरी भाई बल्ले 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 जी, ये तो बिल्कुल ही अच्छा था। चलो कोई बात, बस बस और नहीं तोड़ना, ये ठीक है, ले जाओ शब, हाँ ये शहजाद वेल डन, आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ अब, ठीक है। ये हैं तो कुछ यार ऐसे तुम लोगों ने तोड़ दिए हैं। अच्छा और सुनाओ, आप जा रहे हो? एक यार मैं भी तोड़ देता हूँ कोई यहाँ से, ये वाला मैं तोड़ देता हूँ, ये जो खड़ा है ना, हाँ ये आ गया। ओ एक मिनट उधर आओ यार, कट्ठे जाएंगे फिर गार। एक और भी मैं तोड़ लेता हूँ यार कोई, ये इधर एक खड़ा है, ये वाला, ये ओ यार ये तो परिंदों ने ख़राब कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, खैर है मैं इधर से खा लूँगा। जी दो अमरूद मैंने तोड़ लिया, नुमान और हुज़ैफ़ा एक अमरूद तोड़कर भाग चुके हैं यार, अब मैं भी जाना घर चलता हूँ। वो यार वो कद्दू जो मैंने तोड़ा है वो तो इधर पड़ा है, कद्दू जो है ना मैं उठा लेता हूँ, ये किसी गाय भैंस के सामने डालूंगा मैं। आ जा भाई तू, यार ये उठ भी नहीं रहा ये। चलो भाई सब आप चलते हैं जी, आप डालते हैं गाय के सामने, कद्दू खाती है कि नहीं यार, देखता हूँ, नहीं खा रही। चलो यार पड़ा रहे, खाना होगा तो खा लेगी, नहीं तो यार पड़ा ही रहेगा ऐसे, वैसे तो ये बेकार ही है। अब यार मैं चेक करने लगा हूँ अमरूद की मीठा है या कड़वा है, देखते हैं। देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह भाई सब बहुत ज़्यादा मीठा है यार, अभी है भी कच्चा फिर भी बहुत ज़्यादा मीठा है यार, हकीकत में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फब यजी आला रब्बी कुमार तो कज़िबान, तो यार मैं फटाफट से जो है ना अमरूद खाता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि क्या रूटीन है। ये भाई साहब गाजरें आई हैं, गाजर का हलवा बनाने का जो है ना प्रोग्राम बन गया हमारा, तो यार एक गाजर जी मैंने उठा लिया, इसको जो है ना खाता हूँ, फिर नेट पर भी जाना है। ये भाई साहब गाजर मैंने धो लिया, आप जो है ना गाजर खाता हूँ, फिर जो है ना मैं नेट पर ही चलूँगा, गाजर खाते खाते चेक करते हैं कि यार मीठे है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त। अब यार मैं नेट पर चलता हूँ, फिर नेट से वापसी पर ही मैं आपको मिलूंगा, खाना वगैरह खाएंगे डायरेक्ट वापस आकर, फिर गाजर भी बनानी है ना गजरेले के लिए, तो फटाफट से नेट से चलते हैं, फिर वापसी पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। फिलहाल के लिए नेट से मैं वापस आ चुका हूँ, रब आ चुका है, ये खाना साग हो गया, साथ में ये रहता हो गया, रोटी हो गई, रोटी जो है ना मेरी पड़ी है इधर, ये रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो उधर भी रहता पड़ा, तो फटाफट से यार खाना खाते हैं, मैं और भाई समीला खा रहे हैं, हमारे की नमाज भी पढ़ ली है। अब ये मैं तीन बटे ले जा रहा हूँ, तीन चाय खाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक तो मेरी है, और इधर चार हमारे आए हुए हैं दो काम करने वाले, ये गाजरें क्रैश करने के लिए बुलाए हैं, एक ये बैठा है मेज़ के ऊपर चढ़कर काम कर रहा है मलक से, ये देखो शीशी में से भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, और एक इधर बैठा है काम कर रहा है, इसको जो है ना हम लोगों ने नीचे बैठाया है ना, ये कढ़ाई में गाजरें हम लोगों ने रख कर दी थी, तो ये काम कर रहे हैं। हाँ भाई उठा ले एक चा, शाबाश ये इसने उठा लिया, और ये इधर आ गई भाई साहब, शाबाश चाय पी ले, फिर सारी गाजरें कटनी है। आप ही ना काम कराने, नहीं यार मैं तो अल्लाह के बंदे नवाब आजम हूँ, मैं नवाब आजम हूँ, आप लोग काम करने वाले हो, तो यार ये फिर जो है ना मैं चाय पीता हूँ,
नवाब आजम साहब भी अब चाय पीने लगे और कुछ देर के बाद जो है ना फिर देखते हैं कि गाजरें कितनी कटती हैं। और यार ये नीचे गीली हो रही है। ओ भाई ओए 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 यार गीली कर रहे हो नीचे, ध्यान से मेरी मेरी सारी मेज का कपड़ा आप लोग लगा कर रहे हो, ध्यान से काम करो। ये भी नीचे फेंकी हुई है आप लोगों ने, ये किसी चीज़ पर फेंको। गुड मॉर्निंग हो गया जी, रात को मैं व्लॉग नहीं एंड कर पाया था क्योंकि थोड़ा बहुत फिर मसरूफ़ हो गए थे ना। ये फिलहाल कबूतरों को निकाल देते हैं बाहर। ये आ गए जी, ये गई और ये दूसरे दो भी गए, सीधे तार पर जाकर बैठ जाएंगे। जो बिजली वाली तार है ना वो जाकर बैठ गए। आज यार धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, काली दिन ज़्यादा धुंध नहीं थी, आज फिर जो है ना धुंध हो गई है। सुबह सुबह जब उठे उस वक्त भी नहीं थी, अचानक से जब नमाज पढ़ कर मस्जिद से बाहर निकले तो धुंध ही धुंध थी। और फिलहाल जो है ना जानवरों को सुबह सुबह चारा डाल दिया, ये खा रहे हैं। ये जी मैं मना इधर पड़ा है अंदर, इसको बाहर नहीं निकालना, लेकिन जी बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है, मैं निकालना इसको बाहर नहीं है। तो फिलहाल जो है ना मैं यार कबूतरों को जो है ना दाना खिला देता हूँ। ये इधर होता है दाना कबूतरों का, कहाँ गया आ जा। ये जी एक मुट्ठी दाना कहा गया, तीन कबूतर है काफी रहती है ना, तो ये डाल देता हूँ यार जा पर। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई साहब आ गए सुबह सुबह। भाई साहब जी रात को इतनी सारी गाजरें रह गई थी जो जी आप जो है ना क्रैश हो रही हैं, और ये इनके जो नीचे होते हैं ऊपर वाले जी बाकी सारा कचरा वगैरह पड़ा है, ये गाजरें फैला रहती हैं थोड़ी बहुत, तो ये काट लेंगे भाई इज़ोला। आज की सलाह को मैं यहीं पर ख़त्म करने लगा हूँ। कल भाई साहब जो है ना अमरूद तोड़ दिए, फैमिली नुमान और शहजाद आ गए थे तो उन्होंने खाना तोड़ कर दे दिया, तो मैंने तोड़ दी। अभी थी कच्चे यार पक नहीं रहे थे पता नहीं, लेकिन जो मैंने तोड़ कर खाया ना भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मीठा था, हकीकत में बहुत ज़्यादा मीठा था, कच्चा होने के बावजूद भी इतना मीठा था। एक तो यार ये है नेचुरल ना, बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई खाद वगैरह इनको नहीं लगी हुई, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी मोटे ताज़े अमरूद हैं, मज़े का बहुत ज़्यादा था हकीकत में, कच्चा होने के बावजूद भी फिर भी। और भाई सब गजरेला वगैरह हो रहा है वो पता नहीं, आप देखते हैं कि कब होता है, अगले ब्लॉग में पता चलेगा ना कि गजरेला होता है या नहीं होता, या कब होता है वो तो देखेंगे ना साथ साथ, मैं आप लोगों को बता दूँ। बाकी यार अमरूद को जो है ना मैं तोड़कर पकाने का जो है ना प्रोसेस बनाने के लिए बनाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ शायद बन जाए वो, शायद दो तीन दिन बाद आपको एक मिल जाए कि अमरूद तोड़कर जो है ना पकाने का तरीका, शायद मैं आपको बता दूँ। मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं पकते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल करूँगा ना, पक गए ठीक है, ना पके तो मैं आपको दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकल मैंने कैसे किया, और नहीं पके जब पके हैं ठीक है ना वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो बस यार आज की सलाह को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, कि सपोर्ट मारा 229 व्लॉग्स उठ गए हैं, 229 और सब्सक्राइबर 63 हैं, तो यार सपोर्ट मारो ना। रोज़ाना मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, रोज़ाना डेली बुनियाद पर है, हाजिरी बहादरी नहीं होती, रोज़ाना व्लॉग आता है, तो यार सपोर्ट मारो ना। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, आई होप आपको जब अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं बहुत ज़्यादा किसने के साथ किसने अंदाज में, मैं तब तक मैं अल्लाह की हाफिज़।